सो चलिए आज मैं आपको दाल भरता की रेसिपी देने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स मसूर दाल लिया है, ये रेड लेंटिल्स है और इसे मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से धोकर भिगोकर रख दिया था। सो यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाई है फ्लेम पर और हमारी जो भिगोई हुई दाल थी वो मैंने डाल दी है और उस पर मैंने 2 कप तकरीबन पानी डाला है और इसे आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए ढककर पकाना है। और बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी दाल जो है वो नीचे लग रही है या नहीं। फ्लेम आपका अगर बर्नर थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है कि आपके पानी बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाए और आपकी दाल ना गले और नीचे लग सकता है। सो इस तरह से आप बीच में चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारी 15 मिनट हो चुकी है और हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, हमारी पानी भी बिल्कुल ड्राई आउट हो चुकी है और दाल हमें बस इतना ही गलाना है, इससे ज़्यादा मत गलाना, अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ अनियन लिया था, उसे मैंने थिनली स्लाइस कर ली है और इस पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है 2 से 3 टेबलस्पून भरकर। मस्टर्ड ऑयल ही लेना और कोई ऑयल यूज़ नहीं करना आप। सो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और यहाँ पे मेरे पास में गली हुई हमारी दाल है। दाल कोशिश करें कि बिल्कुल गर्म गर्म हो तभी आप इसको अपने प्याज और इस पे डालें, ऑयल पे डालें तो अच्छी फ्लेवर आती है, ठंडा हो तब वो फ्लेवर नहीं आ पाता। सो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी डाल दिया और इसे अच्छे से मिला लेना है आपको। और लीजिए आपकी ये दाल भरता बिल्कुल रेडी है। सो इन्जॉय करें आप इसे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी होती है। थैंक यू सो मच।